गैंगस्टर आयुब खान इलियास आयुब पहलवान इलियास आयुब पठान ये 2014 से गल्फ को एब्सकांड हो गया। कई केसेस में को जरूरत भी थी। ये लुकआउट सर्कुलर द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमिग्रेशन अथॉरिटी से हेल्प लेकर हैदराबाद साउथ जोन पुलिस गिरफ्तार कर दिया। परसों ये शालीबंडा में एक केस और मैलर देवरपल्ली कालापत्र में दो नॉन बेलेबल वारंट्स और ये डुप्लीकेट पासपोर्ट लेकर मतलब कुछ ही चेंजेस करके ये पूरा गल्फ सऊदी दुबई सिंगापुर मलेशिया मालदीव्स माले घूम रहा है। कुछ गोल्ड बिजनेस भी कर रहा है को इन्फॉर्मेशन आया था हमको। एक गैंगस्टर का लीडर था कि कम से कम 72 क्रिमिनल केसेस में ये शामिल हुआ था। इसमें 6 केसेस मर्डर केसेस और 8 केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर 5 टड़ा केसेस 9 आर्म्स केसेस इंडियन आर्म्स एक्ट 2 रॉबरी 2 डकैती और बाकी कोई एक्सटॉर्शंस थ्रेटनिंग केसेस में शामिल थे। उन एसोसिएट्स भी है गैंगस्टर्स मेंबर्स भी थे। ये मेन मेंबर अशफाक ये सूरत भाग गए गुजरात। अपोजिट गैंग मोहम्मद कैसर मल्लेपल्ली के रहने वाले उनका गैंग है माजिद और उनके एसोसिएट्स। इनके ऊपर 72 केसेस में रहने में भी ऑलमोस्ट ऑल केसेस 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ। एक 387 में 6 महीने और एक हुसैनी आलम मन्नन गोरी एडवोकेट का ब्रूटल मर्डर केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया 210 में। 2014 तक वो हैदराबाद विशाखापट्टनम सेंट्रल जेल में था। बाद में हाईकोर्ट में सेटिस्फाइड हो गया कन्विक्शन होने के बाद इमीडिएटली हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के ऊपर रउडी शीटर्स गोंडागिरी रुस्तुमगिरी करने वाले के ऊपर सिटी से पीडी एक्ट करना शुरू कर दिया। ये मोहम्मद कैसर जंगली यूसुफ में 2014 में पीडी एक्ट डाल दिया उनके अंदर को भेज दिया।
ये देखने के बाद मीडिया में बहुत इंफॉर्मेशन आया नेक्स्ट टारगेट पीडी एक्ट के लिए आयुब खान आयुब पहलवान, तो इसीलिए वो डर के पीडी एक्ट को एस्केप करने के लिए वो गल भाग गए थे। ये गैंगस्टर कितने तक आया, एक आदमी के ऊपर एक आदमी अटैक करके कोर्ट में उनका साडू फजल को कैसर गैंग भगा के मार दिया। तो इतना लैंड ऑर्डर में कॉमन पब्लिक को डराने के मुझको पहचान लो।